पहली में बहुत सारी एंट्रीज एक कंपनी में पास हो जाती हैं। अब पता करना रहता है कि किस वाउचर में कौन सी एंट्री पास हुई है। तो आप डेबुक खोल करके देखना शुरू करेंगे तो एक एक करके तो देखते रह जाएंगे, फिर तो पता ही नहीं चल पाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक भी एंट्री नहीं दिखाई दे रही है, तो यहाँ 1/4 अप्रैल वाला डेट लाते हैं क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे बहुत सारी एंट्रीज हैं, और भी हो सकता है कि पूरा भर जाए एंट्री से। ठीक है, ये तो छोटी सी एक एंट्री है, तो सिर्फ हमें परचेस का पता करना है, सिर्फ हमें सेल्स का पता करना है, तो ऐसे कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पर पहले बाहर आएंगे, ये गेटवे ऑफ टैली है, टैली के मेन मेन्यू। और यहाँ से कहाँ जाएंगे? यहाँ से जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर के एंटर कर दीजिएगा। और एंटर करने के बाद कहाँ जाना है? आना है कहाँ पे आपको? ये देखिए, ये दिया हुआ है अकाउंट्स बुक। ठीक है, तो ये अकाउंट्स बुक पे आएंगे, और जैसे ही अकाउंट बुक पे आएंगे तो यहाँ पर आपको तमाम रजिस्टर्स नजर आएंगे, जैसे कंट्रा रजिस्टर है, पेमेंट रजिस्टर है, रिसिप्ट रजिस्टर है, सेल्स रजिस्टर है, परचेज रजिस्टर है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट है, ठीक है, जर्नल रजिस्टर, तमाम इस तरह के रजिस्टर नजर आएंगे। तो अगर आपको खाली पेमेंट वाली एंट्री देखनी है तो आप पेमेंट रजिस्टर में चले जाइए, इसमें आपको पेमेंट वाली एंट्री नजर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे पीरियड चेंज करना होगा। इसके पहले मैंने बताया कैसे पीरियड चेंज होता है, ऑल्ट F2 करके। ठीक है, 1/4/2023 से 31, तो देखिए एक पेमेंट हुआ पड़ा है, तो खाली एक ही पेमेंट हुआ पड़ा है, तो जो भी पेमेंट की एंट्री है वो सारी दिखाई देगी। अब मान लीजिए परचेज देखना चाहते हैं, तो परचेज कैसे दिखेगा? तो परचेज रजिस्टर पे चलेंगे, तो ये परचेज रजिस्टर है, परचेज वाला जितना भी होगा सब दिखाई देगा। तो यहाँ पे पीरियड चेंज कर लेते हैं एक बार, 1/4/2023 से लेकर और 31/3/2024 तक कर लेते हैं पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी देखिए परचेज वाली तमाम एंट्रीज जो भी हुई है यहाँ पे दिखाई पड़ेंगी आपको। ठीक है, तो ये तरीका है। ठीक है, परचेज रजिस्टर। अब सेल्स वाला देखना है तो सेल्स रजिस्टर में जाएंगे, यहाँ पर आपको सेल्स वाला दिखाई देगा, नहीं दिखे तो यहाँ पे ऑल टैप टू करके पीरियड चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये हो गया 1/4/2023, और एंटर करिए 31/3/2024, तो ये कर दिया हमने। तो ये यहाँ पर तमाम जो एंट्रीज हुई पड़ी हैं वो सब दिखाई देंगी। जैसे ये देखिए यहाँ पर ये जो एंट्री हुई है तो दिख रही है, दोनों सेल्स की एंट्रीज दिख रही है, एक डेटर पार्टी अविनाश है, दूसरा सौरभ है। ठीक है ना,